वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीमों का, तो यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है किंगफिशर एफसी पोर्ट का, डीसी चांडिल टिकटॉक के साथ जमशेदपुर, ये अगर बात करें यानी कि रिमिक्स जमशेदपुर की टीम भी मौजूद है। सभी जो है एक से बढ़कर एक टीम यहाँ पे नजर आ रही है और मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में अगर आप जाते हैं तो पैसा वसूल मैच आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे टीम है जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट में धूम मचा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल स्टार स्पोर्ट्स एनटी। तो दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आप सबों के बीच हम लेकर आ रहे हैं पुनः एक बार और एक लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच फिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में। तो चलिए इस टूर्नामेंट में कौन कौन से टीम मौजूद है, वैसे मैं आप सभी को बता दूं इस टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे लाखों का पुरस्कार जीतने वाली टीम को मिलने वाला है। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट होने वाली है कमाल का टूर्नामेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग पुरस्कार से लेकर टीमों की बात करें तो भाई यहाँ पे कमाल से कमाल यहाँ पे टीम नजर आएगी। और वैसे दिनांक की बात करें तो दिनांक जो है आज यानी कि 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। चलिए अगर इस टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों, ये दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट है और अगर हम लोग बात करें ये टूर्नामेंट कहाँ पर खेला जा रहा, आइए आप सबको हम बता दें। गांव की बात करें तो रावताड़ा पर ये मुकाबला देख पाएंगे और पोस्ट की बात करें, रावताड़ा थाना की बात करें तो थालबुंगड़, जी हाँ, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड। 16 टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। अगर तारीख की बात करें तो आज यानी कि 18 अक्टूबर को खेला जाएगा टीमों के बीच, और 19 अक्टूबर की बात करें तो 8 टीमों के बीच मुकाबला होगा। वैसे यहाँ पे पुरस्कार की अगर हम लोग बात कर लें तो पुरस्कार यहाँ पे 4 पुरस्कार रखा गया है जो कि लाखों का पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख रुपया और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 1.5 लाख रुपया और दो सेमीफाइनलिस्ट टीम को 80,000 रुपये करके दिए जाएंगे। तो ये 4 पुरस्कार है। और वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीमों का, चलिए 18 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला मुकाबला खेला जाएगा रॉयल ग्रीन एफसी बनाम विनय स्पोर्टिंग एफसी के बीच खेला जाएगा। सॉरी, पहला मैच होगा पीआरएमसी पाखुड़िया एफसी बनाम सन्युता एफसी के बीच, ये पहला मैच है 18 अक्टूबर का। वही दोस्तों बात करें दूसरा मैच खेला जाएगा प्रवीण एफसी पोटका बनाम सेफ क्लीन एफसी के बीच, ये दूसरा मैच है 18 अक्टूबर का। और तीसरा मैच की बात करें तो रॉयल ग्रीन एफसी बनाम विनय स्पोर्टिंग एफसी के बीच खेला जाएगा, ये तीसरा मैच है। वही चौथा मैच की बात करें तो चौथा मैच होगा जसमीन एफसी बनाम किंगफिशर एफसी पोटका के बीच खेला जाएगा, ये चौथा मैच। वही पांचवा मैच की बात करें तो पांचवा मैच और छठा मैच ये ग्रुप सेकंड राउंड का मुकाबला होगा, यानी कि 4 मुकाबला देख पाएंगे 18 अक्टूबर 2024 को। वो दोस्तों बात करें अब 19 अक्टूबर को किस प्रकार मुकाबला होगा ग्रुप बी का, आइए आप सबको हम बता दें। 19 अक्टूबर का पहला मैच की बात करें तो पहला मैच होगा लकी ब्रदर्स एफसी बनाम एम ब्रदर्स एफसी के बीच, ये पहला मैच है। वही दूसरा मैच की बात करें तो टीएफटी एफसी बनाम आरकेएस राजा दोहा एफसी के बीच खेला जाएगा, ये दूसरा मैच है। तीसरा मैच की बात करें तो तीसरा मैच ब्लेंडर प्राइड एफसी बनाम सोरेन स्पोर्टिंग नाकादो एफसी के बीच, और चौथा मैच की बात करें तो संजीव एफसी बनाम डीसी चांडिल एफसी के बीच खेला जाएगा। तो ये 19 अक्टूबर का मुकाबला है। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीमों का, तो यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है किंगफिशर एफसी पोर्ट का, डीसी चांडिल टिकटॉक के साथ जमशेदपुर, ये अगर बात करें यानी कि रिमिक्स जमशेदपुर की टीम भी मौजूद है। सभी जो है एक से बढ़कर एक टीम यहाँ पे नजर आ रही है। और हाँ, और एक चीज हम बता दें कि यहाँ पे कुछ नियम भी है, अगर इस टूर्नामेंट में अगर देखने जाते हैं तो भाई पैसा पकड़ के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टिकट से एंट्री आपको मिलेगी। जी हाँ, टिकट का दाम है ग्राउंड पर 20 रुपये और चेयर पर अगर आप बैठ के अगर मैच देखना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार जो कुछ नियम बनाया गया है। वैसे टीमों की बात करें तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीम है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।